पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ाने के प्रदेश सरकार के निर्णय को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि बसें नहीं चल रही है, ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। पूर्व मंत्री का कहना है कि ऐसे दौर में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर राहत देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी इस दौर में अधिक पिस रहे हैं। मैंने कई मर्तबा मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की और लगातार अपनी फेसबुक में भी इस बात से गवर्नमेंट से आग्रह कर रहा था कि समय नाजुक है, हम सब इकट्ठे हैं, इस वक्त कोई राजनीति करने की अवस्था नहीं किसी को भी, मगर जो चिंताएं हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान होना जरूरी है। पहले हमारी चिंता थी कि हमारे जो प्रदेशवासी हैं, जो बाहर के प्रदेशों में अटके हुए हैं, विदेश में अटके हुए हैं, उनको किसी तरीके से हम घर पे पहुंचाएं। तो हमने उस वक्त भी आग्रह किया था कि WHO के दिशा निर्देश के मुताबिक, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक आप लोग हमारे लोगों को बाहर से लाएं, पर इस चीज को फुल प्रूफ बनाएं कि पूरा जो टेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है उसका पालन हो और उनको घर पे या जहां भी उपयुक्त स्थान हो वहां क्वारंटाइन करें। सरकार ने कुछ रियायतें दी आने के लिए, मगर वो सिस्टम कोई फूल प्रूफ नहीं बना सके। जब रियायत दी तो पूरी खुली छूट दे दी, एक दिन में हजारों लोग आए। अगर वही सिस्टमेटिक पास इशू करते, सोशल डिस्टेंसिंग और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वहाँ चेक करने का, पुलिस वाले या वो पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, उनको सेफ्टी किट्स दे दी गई हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है ताकि वो उस तरह की उसको हैंडलिंग कर सकें सिचुएशन को, ये चिंता के विषय हैं। अब कुछ लोग बीच में आए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू भी सुन रहा था, उनको भी चिंता थी कि जो लोग आए उनमें से कुछ लोग प्रभावित हैं कोरोना से, तो ये चीज़ बॉर्डर पे देखने वाली थी, ये चीज़ उनकी गांव में जाने से पहले देखने वाली थी। अब सरकार इनकी है, इन्होंने सुनिश्चित करना है, मगर ऐसा ना हो कि जो 40-45 दिन आपने लॉकडाउन रखा उसका भी बेड़ा गर्क हो जाए। और दूसरा चिंता का विषय ये है कि इकॉनमी जो है वो डामाडोल हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है और आप इकॉनमी को सुधारने के बजाय पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, जो एक बेसिक है किसी भी चीज़ को रियायत करने को जब प्राइस बढ़ाने के लिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, पिछले कल आपने, दो दिन पहले आपने बढ़ाए, ये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा लोगों के ऊपर, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस खत्म हो गए हैं। वो स्थिति में नहीं है कि आपको सरकारी, एक ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, सरकारी बिल लोग दे नहीं पाएंगे, महंगाई के दौर से निकल नहीं पाएंगे, क्राइम बढ़ेगा। आप ये सोचिए कि सरकार ने
इसको रिवर्स कैसे करना है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ानी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, ये राइट अप्रोप्रिएट टाइम है बेरोजगारी भत्ता देने का। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरिपजीत निप्पी की रिपोर्ट।